नमस्कार साथियों, हमने लास्ट वीडियो में नया टॉपिक शुरू किया था प्रत्यय। एक बार पिछली क्लास वाली बातें रिवाइज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में या पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा नए अर्थ का बोध प्रदान करने वाले शब्द निर्मित करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत, दूसरा तद्धित। क्रियाओं अर्थात धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के संदर्भ में दोनों दो तीन छोटी छोटी बातें आपको बताई थी, उनको भी रिवाइज करने के बाद हम प्रत्यय के प्रकार की डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक परिभाषा बताई थी, बिंदु बताया था आपको कि प्रत्यय लगने पर संधि नहीं होती। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाती है तथा यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे नाटक प्लस कार नाटक कार, क्योंकि व्यंजन है क तो हू लिखा जाएगा। स्वर हो तो स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, इसमें संधि नहीं होती। तथा दूसरा बिंदु, क्रियाओं के साथ प्रत्यय लगाते समय क्रियाओं के पीछे लगे हुए ना को हटाकर शेष शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। और अंतिम बात बताई थी, प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कहीं तो बढ़ोतरी होती है और कहीं कम। अब हम प्रत्यय के भेद और उपभेदों को पढ़ते हैं। तो प्रत्यय के भेद आपको विदित है, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रियाओं के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसके कितने उपभेद हैं? कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार समझिए, पहले प्रकार का नाम है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ये इसके पहले भेद का नाम है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय के पांच भेद और तद्धित के छह, तो इन पांच और छह ग्यारह भेदों में से प्रतियोगी परीक्षा में दो तीन महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों तीनों कौन से हैं? तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। जब वो आएंगे उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि पिछले दो तीन सालों में उनमें से प्रश्न पूछे गए तो वहां से प्रश्न आने की संभावना है, तो फिर भी हमें सबको पढ़ना है तो देखिए। अब कृत प्रत्यय, यदि इनमें से आपने जो पांच और छह ग्यारह उपभेद है कृत और तद्धित दोनों के मिला के एक परिभाषा ढंग से समझ लो तो सबकी परिभाषाएं आपको याद रह सकती है। कृत है तो ये तो तय हो गया कि क्रियाओं के साथ जुड़ेगा, तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर कर्ता बोधक शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कोई भी क्रिया है, अब उदाहरण देखिए, मैंने यहां लिखा उदाहरण लिखना, पढ़ना, गाना, गाना, इधर भी लूटना और लड़ना, ये अंडरलाइन किए हुए शब्द देखिए, लूटना, लड़ना, लिखना, पढ़ना, गाना, गाना, ये सब क्रियाएं हैं। तो परिभाषा में यही कह रहा हूं कि क्रियाओं के साथ प्रत्यय जुड़ेगा और प्रत्यय जुड़कर जो शब्द उत्पन्न होगा, जो शब्द हमें मिलेगा, लेखक, पाठक, गायक, गवैया, लुटेरा और लड़ाकू, ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द वाक्य में किसी न किसी वाक्य में किसकी भूमिका निभाते हैं? कर्ता की। तो यही समझा रहा कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर कर्ता का बोध कराने वाले शब्द निर्मित करते हो उन्हें क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे और खूब उदाहरण, मुख्य उदाहरण ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएससी में कई बार पूछा हुआ, पांच सात बार परीक्षाओं में, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाना प्लस एया, ध्यान रखें ए की मात्रा ऐ की मात्रा है, और ऐ की मात्रा है तो वह पर भी दो मात्रा लगेगी। लिखना प्लस अक लेखक, पढ़ना प्लस अक पाठक, गाना प्लस अक गायक, और गाना प्लस एया गवैया, इधर लिखा लूटना प्लस एरा लुटेरा, लड़ना प्लस आको लड़ाकू। तो लुटेरा लड़ाकू लेखक पाठक गायक गवैया, ये सब क्या है? छह सात शब्द जो बताए ये सभी कर्ता का बोध कराने वाले शब्द। दूसरा भेद देखिए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ये तो कर्ता था ये कर्म,
अब कर्ता की जो परिभाषा आपने समझी वैसी वैसी कर्म की परिभाषा, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर वाक्य में कर्म का बोध कराने वाले शब्द निर्मित करते हो। कोई भी वाक्य है उसमें कर्म की भूमिका निभाने वाले। अब कर्म का उदाहरण यहां पर आप समझ सकते हो, उदाहरण लिख रहा हूं, राम पेंसिल से, ध्यानपूर्वक समझिए, चित्र बना रहा है। राम पेंसिल से चित्र बना रहा है। अब वाक्य संरचना हिंदी की देखेंगे तो यहां पर आप सबको पता होगा राम क्या है, कर्ता, और बना रहा है क्या है, क्रिया और सहायक क्रिया, क्रिया है सहायक क्रिया। अब यहां पर पेंसिल क्या है और चित्र क्या है, पेंसिल तो है करण और चित्र क्या है कर्म। तो क्रिया के साधन को कहते हैं करण, अर्थात क्रिया किसके द्वारा होती है और जो काम किया जा रहा है उस काम को क्या कहते हैं, कर्म। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जोड़कर कर्म का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। उदाहरण देखिए, सूंघना क्रिया है, इस सूंघना शब्द में सूंघना क्रिया थी, इसमें नी प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया, सूंघनी। सूंघनी कर्म का बोध कराने वाला शब्द है। ऐसे ऐसे बिछाना में ओना प्रत्यय लगा, बिछोना। ओढ़ना में नी प्रत्यय लगा, ओढ़नी। और ऐसे ऐसे खेलना में ओना प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, खिलौना। तो सूंघनी, खिलौना, ओढ़नी और बिछोना, ये चारों जो शब्द है ये क्या करेंगे, ये कर्म की भूमिका निभाएंगे। तो ध्यान पूर्वक समझिए कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर कर्म का बोध कराने वाले शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्म बोधक कृत प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, तीन नंबर वेद बता रहा हूं, इसी का तीन नंबर वेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय में अभी अटा रहा हूं मैं आपके, हाँ सर समझिए परिभाषा, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जोड़कर क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। क्रिया के साधन अर्थात क्रिया किसके द्वारा हो रही है, क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। परिभाषा समझ में आई, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जोड़कर क्रिया के साधन का, यानी क्रिया किसके द्वारा हो रही है। जैसे यहाँ ऊपर वाक्य देखिए, राम पेंसिल से चित्र बना रहा, राम चित्र किससे बना रहा है, पेंसिल से। तो ये पेंसिल शब्द क्या है, करण है, क्रिया का साधन, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, दैट इज करण। तो करण बोधक में उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा है, झूलना प्लस आग क्या बना, झूला। ऐसे ऐसे बेलना प्लस न बेलन, कतरना प्लस नी कतरनी, और फिर उदाहरण है झाड़ना प्लस ऊ झाड़ू। अब यहाँ ध्यान गुरु देगी, झूलना कतरना बेलना और झाड़ना ये तो चारों क्या हो गए, क्रियाएं। इसके साथ ये प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बने हैं जिनको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, झूला कतरनी बेलना और झाड़ू, सॉरी यहाँ बेलन है, बेलना नहीं, बेलन झाड़ू झूला और कतरनी, ये चारों क्या है, करण का बोध कराने वाले शब्द है। इस करणवाचक में 5-8-10 एक शब्द और है, क्योंकि 10-15 शब्द ही परिचित है। तो क्रिया के साधन को करण कहते हैं। चार नंबर वेद देखिए, जो चार नंबर वेद है उसका नाम क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय। काफी महत्वपूर्ण, भाववाचक कृत प्रत्यय बहुत अच्छा है। इसमें आपको परिभाषा समझिए, भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित होते हैं,
परिभाषा समझिए, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा ये होती है जिनको महसूस किया जा सकता, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, भावों को सिर्फ महसूस किया जाता है। संज्ञा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञाएं तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ऐसी क्रियाएं, क्रिया होगी और उसके साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएगा। उदाहरण देगी, यहाँ से उदाहरण शुरू कर रहा हूँ। जैसे क्रिया है मारना, इसमें प्रत्यय लगाया मैंने ए, शब्द क्या बना? मार। ऐसे ऐसी क्रिया है लूटना, इसमें ए प्रत्यय लगाया, क्या बना? लूट। ऐसे ऐसी क्रिया है पूजना, प्रत्यय लगाया आ, क्या बना? पूजा। आपको दिखता रहा होगा पूरा। और उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण दिया मैंने घबराना, आहट प्रत्यय लगा, क्या बना? घबराहट। आगे शब्द लिखा मैंने लिखना, आवट प्रत्यय लगा, क्या बन गया? लिखावट। बचना, तय प्रत्यय लगाया, क्या बना? बचत। तो यहां पर देखिए, मार, लूट, पूजा, बचत, घबराहट, लिखावट, ये सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। तो ये चार नंबर भेद था कृत प्रत्यय के अंतर्गत। कृत प्रत्यय का अंतिम भेद देखिए पांचवा, पांचवा अंतिम भेद है क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। नाम क्या है? क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ प्रत्यय जुड़कर क्रिया के निरंतर होने का बोध कराए, यानी उसी कार्य के निरंतर होने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है? क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। क्रिया के निरंतर होने, कोई काम हो रहा है उसके निरंतर होने का बोध कराए। और अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे मैंने उदाहरण लिखा है पढ़ना, मैं हुआ प्रत्यय लगाया, ये इसमें एक ही प्रत्यय प्रचलित है, हुआ। पढ़ना हुआ लगाया तो क्या हुआ? पढ़ता हुआ शब्द। ऐसे ऐसे मैंने शब्द लिखा टहलना, प्रत्यय क्या लगाया? हुआ। तो शब्द क्या बना? टहलता हुआ। तो ये तो बिल्कुल आसान है। इससे पहले कोई, बहुत पहले, आज से 15 साल पहले एक आध कोई प्रश्न आ रहा है परीक्षा में आया हुआ, बाकी प्रश्न इससे क्रिया बोधक से नहीं आता। अब वापस पांचों वेदों को सुन लीजिए, पांचों वेद कौन कौन से हैं, इधर लिख रहा हूं। नंबर एक हमने पढ़ा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, नंबर दो कर्मवाचक। इन वेदों के नाम भी ध्यान रखने, कभी कभी वेदों के नाम से प्रश्न आ जाता है। तो कर्तृवाचक, कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक और चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियाबोधक। ये कर्तृवाचक जो क्रिया पांच वेद है किसके? कृत या कृदंत प्रत्यय के। प्रत्यय के दो प्रकार है, नंबर एक कृत, नंबर दो तद्धित। कृत के फिर पांच वेद है और तद्धित के छह। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ कृत प्रत्यय है, जो कृदंत प्रत्यय है, उसके पांचों वेदों को डिटेल से पढ़ा। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो देखें, उन पर संख्या भी लगी हुई है। प्रत्यय का एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, तो पहले वो वीडियो देखेंगे फिर ये देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। उपसर्ग देखें तो क्रम से शुरू करें, लॉकडाउन है, लॉकडाउन और बढ़ गया है तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक पढ़िए। घर पे बैठे हो, गांव में बैठे हो तो अधिक से छात्र जो दूर दराज बैठे हैं बढ़िया अध्ययन करें। आपको यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्री मिल रही है उससे आप अच्छे से अच्छे अपने को परिष्कृत कर सकते हो। फ्री हो, जब भी फ्री हो आप 2-3 घंटे मोबाइल में बिता के और फिर उनको लिखिए, नोट्स बनाइए, देखिए। आपके पढ़ाई करने से केवल आपका ही भला होगा और पढ़ाई का ये उपयुक्त समय है। अब खेत में जो भी काम काज था वो भी हो गया है तो आप अधिक से अधिक पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद प्रभेद को लेकर।
आज के वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक थोड़ा बढ़ाएं ताकि मुझे भी सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके लिए और वीडियो, पटवारी है, ग्राम सेवक है और अपने जो भी वैकेंसी जा रही है उनका पूरा सिलेबस मैं उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू।